चाय दो तरह की होती है, एक चरित्रहीन एक चरित्रवान। क्या बात कर रहे हैं विश्वास भाई? मैं आपको बता रहा हूँ एबीपी के दर्शकों को, एक बहुत बड़े व्याकरण के, संस्कृत के और हिंदी के आचार्य थे, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो मैं उनके दर्शन करने के लिए दिल्ली उनके निवास पर गया, बहुत बड़े नाम नहीं बताऊंगा, उनका दिवंगत हो गए, स्वर्ग में विश्राम कर रहे होंगे, कहेंगे कुमार विश्वास ने जगा दिया। तो मैं उनके घर गया तो चरण वरण छुए, बातचीत करी, बड़े प्रसन्न, मैंने कविताएं भेजी थी अपनी, तो बोले कि कहो युवा कवि चाय पियेंगे? तो हमने कहा कि आचार्य जी आपकी चाय तो मतलब अमृत होगी, जरूर पी लेंगे। तो मुझसे बोले अच्छा चरित्रवान चाय पियोगे कि चरित्रहीन चाय पियोगे? अब इतने बड़े विद्वान, तो मैंने कहा साहब मैं क्या बोलूं, तो मुझे लगा चरित्रवान ज्यादा अच्छी चीज होती होगी, भारत में चरित्र की परिभाषाएं ऐसी हैं जो चाय वाय से भी जुड़ जाती हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि आचार्य जी चरित्रवान चाय पिला दीजिए। तो कुल्लड़ में चाय आई तो मैंने कहा आचार्य जी आपने बताया नहीं चरित्रवान चरित्रहीन क्या है। बोले देखो चरित्रहीन चाय जो है वो चीनी मिट्टी के प्याले में होती है, वो एक ही प्याली न जाने कितने अधरों को छूती है, और हर बार धुल पुछ के नया श्रृंगार करके फिर नए प्रेमी के पास पहुंच जाती है। और चरित्रवान चाय मिट्टी के एक कुल्हड़ में अग्नि पानी पंच तत्वों से बनकर आती है, एक होठ से छूती है और उसके बाद पुनः मिट्टी में मिलकर नया जन्म लेकर आती है, इसे चरित्रवान चाय।